हिंदी करती हूँ, मैं हिंदी साहित्य कौन? वापस जाऊंगी ताजिकिस्तान में, लेकिन मैं हिंदी सीखने के अच्छी तरह से के लिए इंडिया में आया हूँ। दोस्तों, कभी मैं एक शेर हुआ था कि हो के न मायूस, यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। और ये जो लड़की को आप देख रहे हैं, गर्ल्स को आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया से बिल्कुल भी ताल्लुक इनका नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत प्रभावित किया है। प्रभावित कैसे किया है आप जानकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इनके काम को देख करके, इनका जो पढ़ने का जो स्टाइल है उसको देख करके, ये हिंदुस्तान में रहती हैं और हिंदी सीखने का काम करती हैं, और हम लोग इंडियन लोग भी उतना बेहतर हिंदी नहीं जानते होंगे जितना बेहतर ये हिंदी जानती हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगी। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम अर्चना है, मैं ताजिकिस्तान से हूँ। मैं अभी इंडिया में गुजरात में रहती हूँ, अहमदाबाद में। एंड अहमदाबाद में मैं एमए हिंदी करती हूँ, एमए हिंदी साहित्य। कितने साल हो गए आपको? हाउ मेनी इयर्स? 2 साल चल रहा है, इस 2 साल से। 2 इयर्स इज टू इयर्स रनिंग। यस 2 साल अच्छा, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, मैं ताजिकिस्तान से। ताजिकिस्तान में क्या पढ़ाई करके आप आई थी? ताजिकिस्तान में बचेलर में, ग्रेजुएट? यस बचेलर, हिंदी बैचलर। हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, ताजिकिस्तान में भी बैचलर हिंदी में हिंदी आपने किया है? हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटर। ताजिकिस्तान में भी हिंदी पढ़ाई होती है? यस होती है, हिंदी विभाग है और ताजिकिस्तान में। अच्छा, हिंदी विभाग है। देखिए मैं हिंदी, इन्होंने कहा कि हिंदी विभाग है, थोड़ा और है। अच्छा नहीं लगे, कितना मतलब डिफिकल्ट बात है, हिंदी विभाग है कहाँ? ताजिकिस्तान में। तो वहां से आपको यहाँ आए हुए 2 साल हो गया, तो दो पीजी साल कब कंप्लीट हो रहा है आपका? पीजी पीजी नहीं, एमए एमए मास्टर। या एंड व्हेन विल कंप्लीट? जून और जुलाई। जून और जुलाई। एंड आफ्टर दैट आफ्टर व्हाट इज योर प्लान? वापस जाऊंगी ताजिकिस्तान बैक में। टू ताजिकिस्तान। यस। ताजिकिस्तान में क्या फर्क लगा आपको? वह ताजिकिस्तान से आपने क्यों नहीं एमए किया? क्योंकि बहुत जब वहां पे मतलब ग्रेजुएट आपने किया, बैचलर किया आपने हिंदी में ताजिकिस्तान में, तो यहाँ भी वहां पे से भी तो मतलब एमए हो सकता था? एमए हो सकता था, लेकिन मैं हिंदी सीखने के अच्छी तरह से के लिए इंडिया में आया हूँ। तो हिंदी क्यों सीखना सीखना जरूरी है आपको? सीख के क्या करना है सीखने वहां? तो ताजिकिस्तान में तो इंग्लिश चलेगा नहीं, तो आप लोग का लोकल लैंग्वेज क्या है वहां का? ताजिकी तजकी है। ताजिकी चलिए, और मैं फ्यूचर में अनुवादक बनना चाहती हूँ, अच्छा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर गुड। ट्रांसलेटर हिंदी और ताजिकी। यू कैन गेट जॉब आल्सो इन गाइड, यस गाइड और टीचर आल्सो, गाइड टीचर, एमबीसी, इस एम्बेसी। एमबीसी में भी। तो तजाकिस्तान में और इंडिया में, या इंडिया में हिंदी की पढ़ाई थोड़ी अच्छी लगी आपको? यस तो क्या तजाकिस्तान में भी इंडियन लोग जाके क्या कहते हैं, तजाकी लैंग्वेज? नो, इंडिया लोग वहां जाने का मेडिसिन इंग्लिश से अच्छा, पढ़ते हैं, मैं मेडिकल करते हैं, मेडिकल मेडिकल करते हैं कर। वहाँ पे तो जून में आप चली जाएंगी। ठीक यस है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? यहाँ तो अच्छा, वहाँ पे आप लोग यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, वहाँ बहुत ठंडी है, यहाँ यहाँ सरवाइव कर पा रही है? गर्मी है। अच्छा, वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना जाता है जो आपने सरवाइव किया हो? मिनिमम टेम्परेचर इन योर कंट्री, समय समय आपके कंट्री में? ठीक है, सही। आपके कंट्री में सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा है? सर्दी और गर्मी में? हाँ, सर्दी सबसे बहुत माइनस सर्दी है, बर्फ है, माइनस माइनस यस माइनस माइनस 10 माइनस फाइव टेन माइनस फाइव माइनस टेन 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 यहाँ पे आपको तो बहुत दिक्कत होती होगी, फेस करना पड़ता होगा। यहाँ इंडिया में फेस करना पड़ता है आपको? नहीं नहीं क्लाइमेट के लिए थोड़ा 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 एसी में रहना पड़ता होगा, यस एयर कंडीशन। यस तो हो गया, और भी कुछ साझा करना है? थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे, ये जो है ये इंडिया में रह करके हिंदी सीखने का काम करती है, काफी अच्छा लगा और बेहतर लगा मुझे भी। बहुत खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं दोस्त नए मेहमान के साथ, अब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बेहतर लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।